नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल करिश्मा कौशिक। आज हम बात करेंगे करवा चौथ 2020 के पूजा के शुभ मुहूर्त की। अब देखिए, शुभ मुहूर्त का सभी को इंतजार होता है और साथ ही साथ अगर पूजा के मुहूर्त की बात करें तो लोग इस चीज को लेकर भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि पूजा किस समय पे करनी है। कुछ महिलाएं होती हैं 4 बजे के आसपास पूजा कर लेती हैं संध्या काल में, या फिर अगर देखा जाए तो कुछ महिलाएं सुबह के समय भी पूजा कर लेती हैं। मगर इस पूजा का भी शुभ मुहूर्त होता है जिसके अनुसार अगर आप पूजा करते हैं तो आपको और भी ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, चंद्र दर्शन की भी बात करेंगे कि चंद्र उदय होने का समय क्या होगा और आप चंद्र दर्शन किस समय पर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें करवा चौथ की, तो देखिए करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर के आता है और साथ ही साथ महिलाएं जो होती हैं पूरे वर्ष भर इस पर्व का इंतजार करती हैं, अपने पति की लंबी आयु की मनोकामना करती हैं और साथ ही साथ अगर उनके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट आ रहा है तो उसकी समाप्ति की भी मनोकामना करती हैं। अब करवा चौथ का जो पर्व होता है ये बहुत ही खास होता है। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और इसके साथ ही साथ इस दिन महिलाएं जो हैं 16 श्रृंगार भी करती हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि तिथि की, कि करवा चौथ जो है हर वर्ष किस तिथि पे पड़ता है, तो देखिए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है करवा चौथ। अब उदया तिथि के अनुसार अगर समय की बात कर ले तो इस वर्ष यानी 2020 4 नवंबर को ये व्रत पड़ रहा है, यानी करवा चौथ जो पड़ रहा है ये 4 नवंबर 2020 को पड़ रहा है। अब तिथि जो आरंभ होगी ये तड़के 3:24 से आरंभ हो जाएगी और इसके साथ ही साथ जब महिलाएं व्रत आरंभ कर सकती हैं वो 4 नवंबर सुबह 6:35 से आरंभ कर सकती हैं। अब देखिए 6:35 से कैसे आरंभ कर सकती है, हालांकि तिथि तड़के 3:24 से आरंभ हो जाएगी क्योंकि इससे पहले यानी सूर्य उदय होने से पहले जो सर्गी होती है जो ससुराल के द्वारा या सास के द्वारा भेजी जाती है वो ग्रहण करना होता है, यानी सूर्य उदय होने से पहले। तो जो महिलाएं हैं सुबह 5:12 से लेकर के 6:24 तक सर्गी ग्रहण कर सकती हैं और 6:25 से जो व्रत है वो आरंभ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को 5:24 से लेकर के और 6:48 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी तकरीबन 1.25 घंटे का मुहूर्त होगा जिसमें आप पूजा आराधना कर सकती हैं। साथ ही साथ इसमें पूजा आराधना जो की जाती है माता करवा की, भगवान शिव की, माता गौरी की, भगवान गणेश की और कार्तिकी की भी पूजा आराधना की जाती है। अब इसके बाद अगर बात करें चंद्र दर्शन की, क्योंकि चंद्र दर्शन के बिना ये व्रत जो है अधूरा माना जाता है, तो चंद्र दर्शन जो है 8:12 से चंद्र उदय हो जाएगा और जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र में जैसे जैसे आपको चंद्र दर्शन होते जाएंगे तो आप 8:12 से चंद्र दर्शन करना आरंभ कर सकते हैं और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये था इस वर्ष का यानी वर्ष 2020 का करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। ऐसी और भी बातें जानने के लिए और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल करिश्मा कौशिक। बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कैसी लगी हमारी वीडियोस हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।